फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ यू ऑल? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट 2019 के ज्वाइनिंग डेट के बारे में। देखेंगे लेटेस्ट मेल अपडेट क्या कह रहा है, कितने सर्कल्स स्टिल प्रतीक्षा में है, और साथ ही साथ देखेंगे आपके कुछ सवाल जिसका कोशिश करेंगे हम जवाब देने का। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओन चैनल द हम्बल गाई, लेट्स बिगिन। हाँ, जरूर एक बात ये बताइएगा कि आपके एरिया में जहां आप रहते हैं वहां पे ठंड के क्या हालात हैं, क्योंकि जहां हम अभी आए हुए हैं वहां पर तो ठंड जो है वो धीरे धीरे दस्तक दे रही है। सबसे पहले ज्वाइनिंग डेट के बारे में हमने अपने कई सारे वीडियोस में ये बात करी थी कि ज्वाइनिंग 13 या 20 जनवरी को होगी, लेकिन कल जो एक रीजन में मेल आया वहां पर ऑफिशियली वो कंफर्म हो गया कि जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो रही है 13 जनवरी 2020 से। बहुत ही पावन अवसर, लोरी, संक्रांति, पोंगल, बिहू, और आप लोगों के लिए एक यादगार लम्हा, एक यादगार पल, बहुत सारे लोगों के लिए ये पहला जॉब, और हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए दूसरा तीसरा जॉब होगा। तो आज से जब आप बहुत सालों बाद 10-15-20 साल बाद बात करेंगे तो आपको डेट बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि ये 14 जनवरी से सिर्फ एक दिन पहले 13 जनवरी की तारीख है, बहुत ही पावन तारीख। तो ये जो मेल आया है वो आया है बेंगलुरु रीजन को। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द मेल। इसका स्क्रीनशॉट ये कहता है कि यू आर यहाँ पर। हाँ, एक चीज आपको बता दें कि आपसे पहले भी हमने रिक्वेस्ट करी है कि आपके पास SBI का अकाउंट है तो ठीक, अदरवाइज यू जस्ट ओपन्ड अ SBI अकाउंट एज सून एज पॉसिबल इन योर नियरेस्ट SBI बैंक। तो आपने अभी तक उम्मीद है कि अकाउंट ओपन करवा लिया होगा और साथ ही साथ चेकबुक के लिए भी अप्लाई कर दिया होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यू आर ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड टू अप्लाई फॉर चेकबुक फॉर योर SBI अकाउंट, ये भी लिखा हुआ है मेल में। ठीक है, दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ मेल फ्रॉम बेंगलुरु रीजन। ठीक है, यहाँ पर लिया है कि ओपन न्यू अकाउंट विद द नियरेस्ट ब्रांच ऑफ SBI इफ नॉट प्रेजेंटली अवेलेबल। ठीक, अभी भी टाइम है, ओपन कर दीजिए। वन कैंसिल चेक लीव इज रिक्वायर्ड ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग, दैट इज 13/1/2020। हेंस ज्वाइनिंग डेट इज कंफर्म्ड 13 January 2020। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ आवर टीम। ओके, इसके बाद आपके सवाल देखते हैं। एक सवाल बार बार आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग। द डे यू ज्वाइन ईदर इन ब्रांच और ट्रेनिंग सेंटर और लर्निंग सेंटर, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर ज्वाइनिंग। सब कुछ आपकी उसी दिन से शुरू हो जाएगी, इसमें कोई अंतर नहीं है। हेंस फ्रॉम 13/1/2020 ऑल द सेलेक्टीज विल बी ऑन द पेरोल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आप एम्प्लॉय हो जाएंगे 13 जनवरी 2020 से। वेयर द ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड, तो इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। जो लिस्ट है LHOs की ट्रेनिंग सेंटर की, वो शायद एक वीडियो हमने अपलोड किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एक तो ये हो सकता है कि SBI लर्निंग सेंटर्स में आपने ट्रेनिंग कराई, लेकिन इसमें ये है कि 6 जनवरी से PO की ट्रेनिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो PO सिलेक्ट हुए हैं 2019 में, उनकी ट्रेनिंग है, तो आपकी ट्रेनिंग हो सकती है या तो SBI लर्निंग सेंटर्स में हो या वो आउटसोर्स हो, जैसा कि पिछले साल हुआ था मणिपाल, NIT, MIT, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको। ठीक है, तो अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप लोगों में से किसी व्यूअर्स के पास इफ़ यू हैव द इन्फॉर्मेशन कि द ट्रेनिंग सेंटर्स विल बी द ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड बाई SBI लर्निंग सेंटर और इट विल बी आउटसोर्स एज इट वॉज इन प्रीवियस ईयर, तो काइंडली शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद एक बात हम आपको अपने अनुभव से, एज पर आवर एक्सपीरियंस, वी वॉन्ट टू शेयर दैट ट्रेनिंग पीरियड विल बी द मोस्ट मेमोरेबल पार्ट ऑफ योर कैरियर। लेट इट बी अ ट्रेनिंग पीरियड फॉर 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स, जितना भी हो उसे आप वहाँ पे लर्न तो जरूर कीजिएगा, सीखिएगा जरूर, लेकिन साथ ही साथ उस पीरियड को इंजॉय बहुत कीजिएगा, बिकॉज ये जो पीरियड है इट विल टेक यू ऑल बैक टू योर गुड गोल्डन डेज, गोल्डन स्कूल डेज। ठीक है, आपके जो भी स्कूल डेज में मेमोरी है वही आपको ये ट्रेनिंग पीरियड में लगेगा कि आप फिर से वहां आ गए हैं। ठीक है, तो इसको सीखिएगा भी लेकिन एंजॉय जरूर कीजिएगा। एक रिस्पेक्टेड एक्स सर्विसमैन सेलेक्टिव जो हमारे हैं आदरणीय, उनको एक चीज कहना चाहेंगे, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप जब DV के लिए जाएंगे तो साथ में PPO, डेट इज शायद इसका फुल फॉर्म PPO, पे पेंशन ऑर्डर होता है,
ये जरूर ले जाइएगा, क्योंकि कभी कभी एचआर वाले मांगते हैं एडवांस में, तो आपको पे फिक्सेशन में आसानी होगी, ठीक है। और एक्सेसमैन की सैलरी जो फिक्सेशन होती है उसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो हमने बनाया हुआ है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर अगर आपने देख लिया ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। किनको किनको अभी स्टिल प्रतीक्षा में है, तो दिल्ली, पटना, अमरावती, हैदराबाद, उत्तराखंड, हरियाणा। हरियाणा का अगर कोई व्यूअर है हमारे हरियाणा के, तो वो काइंडली बताइए कि उन्हें रिसीव हुआ है या नहीं, ठीक है, कोई कंफर्म हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। और बाकी दिल्ली, पटना, अमरावती, हैदराबाद, उत्तराखंड, आप लोग निराश मत होइए, बिल्कुल आज या कल में आप सभी लोगों को मेल आने लगेगा, ठीक है। बाय टुमारो ऑल द सर्कल शैल रिसीव, बिकॉज यहाँ पर अब जो लेटेस्ट है वो 16 से शायद लखनऊ सर्कल का डीबी है, तो अगर 16 से भी है तो आजकल में मेल आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर किसी को मेल नहीं आया आपके सर्कल में तो देर इज नथिंग मच टू वरी, अगर किन्हीं को आ गया है आपको नहीं आया तो एक दो दिन रुक जाइए, मंडे ट्यूजडे आप अपने LHO रिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेरीज देखते हैं एक बार फिर से आप लोगों को, कि व्हाट इफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अप टू द मार्क। तो एज फार एज द फीडबैक व्हाट वी हैव रिसीव फ्रॉम द भुवनेश्वर सर्कल एस्पिरेंट सेलेक्टीज, यू हैव टू साइन एन अंडरटेकिंग एंड टू प्रोड्यूस द सेम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, दैट इज ऑन 13 जनवरी 2020, ठीक है। एक अंडरटेकिंग आप दे दीजिएगा कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन मैं 13 जनवरी 2020 को इसे प्रोड्यूस कर दूंगा जब मेरी ज्वाइनिंग होगी तब। फॉर्मेट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत बार बता चुके हैं, ओपन सोर्स में है, वहां से आप ले सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा आपको तो एक वीडियो हमने डिटेल्स बनाया हुआ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, उसके लिंक हम आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इस वीडियो के, वहां से जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का लिंक है, बिल्कुल आप वहां से बनवा सकते हैं प्रिंट आउट लेके, ठीक है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि क्या फोटो इज रिक्वायर्ड, ठीक है, फोटो वाली बात पता नहीं कहाँ से आ गई, फोटो इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में फोटो इज नॉट रिक्वायर्ड। हाउ मेनी कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन योर मेल, बिकॉज सम इंस्ट्रक्शंस आर डिफरिंग फ्रॉम LHO टू LHO। इफ इन योर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम LHO इट इज मेंशनड इन द मेल दैट यू हैव टू टेक टू सर्टिफिकेट्स, टेक टू, इफ इट इज मेंशनड दैट यू हैव टू टेक थ्री सर्टिफिकेट्स, देन यू हैव टू टेक थ्री। वॉट अबाउट स्कूल कॉलेज सर्टिफिकेट, ठीक है, तो टेक द लास्ट सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन, अगर आपके पास है आपके स्कूल की या कॉलेज की तो आप ले जाइए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है वो स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट और आपका स्कूल या कॉलेज नजदीक है, तो आप नेक्स्ट स्लाइड में दिए गए हुए बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है उसका फॉर्मेट वैसा भी बना सकते हैं, जैसे कि इट इज सर्टिफाइड दैट श्री मिस, आपका नाम यहाँ पर, वॉज अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इन बैचलर ऑफ साइंस, जो भी आपका स्ट्रीम हो, बैचलर ऑफ साइंस, आर्ट्स, बीटेक, जो भी है, और यहाँ पे पीरियड, जिस पीरियड में आपने वो करा है कोर्स, एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज ही शी बियर्स अ गुड मॉरल कैरेक्टर, यहाँ पे प्लेस डेट रहेगा और यहाँ पर राइट साइड में साइन ऑफ प्रिंसिपल रहेगा। तो ऐसा सर्टिफिकेट अगर आपका स्कूल या कॉलेज नजदीक है तो वहां से भी जाके आप एक ऐसा बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना सकते हैं। एक बार एक फिर बता दें कि कंडक्ट, अगर कंडक्ट और कैरेक्टर लिखा है तो बोथ आर सेम, ठीक है, आइदर कंडक्ट और कैरेक्टर बोथ आर सेम। एक और केस आता है कि आपने कहीं और से अपना ग्रेजुएशन किया है, मान लीजिए दिल्ली से करा है, अभी आप बैंगलोर पुणे में हैं, नहीं जा सकते, तो आपके पास अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कोई सर्टिफिकेट हो जहां पर आपका कंडक्ट लिखा हुआ है तो वो भी ले जाइए। अब भोपाल सर्कल से क्वेरी आ रही है कि व्हाट अबाउट मेडिकल्स, तो देखिए जो हमें इन्फॉर्मेशन है कि आपके मेल में डॉक्टर्स की लिस्ट दी हुई है, ठीक है, तो आज उनसे पूछ लीजिए जो डॉक्टर साहब से कि क्या प्रोसीजर करना है, हम पहले आ सकते हैं आपके पास, अगर आए तो कब आए, ठीक है। तो जनरली अगर डॉक्टर लिस्ट दी रहती है तो एक बार आप पूछ लीजिए उनसे, ठीक है, कि पहले कराना है या डीवी के दिन ही आपके पास आना होगा, ठीक है, वो आप जरूर पूछ लीजिए, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। दूसरी क्वेरी आ रही है लखनऊ सर्कल से, ठीक है, स्टिल आई हैव नॉट रिसीव द मेल, खासकर जो कानपुर इलाके से बिलोंग करते हैं उन्हें शायद मेल नहीं आया है, तो आप वेट कर लीजिए, आपकी डीवी तो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है तो अभी भी टाइम है, तो आजकल में आप लोगों को मेल आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मंडे एक बार अपना कॉल जरूर कर लीजिएगा LHO को। स्टिल आई हैव नॉट रिसीव द मेल्स, ये तो आपके पटना, अमरावती, हैदराबाद, दिल्ली, उत्तराखंड के सेलेक्टिव कह रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक आप सभी लोगों को मेल आ जाएगा। एक अगली क्वेरी आ रही है कि आई एम फ्रॉम बिहार बट फिल्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सो फ्रॉम विच सर्कल आई विल गेट द मेल, तो ऑब्वियस सी बात है आप कहीं के हो, जिस सर्कल से आपने फिल करा है उस सर्कल से ही आपको मेल मिलेगा, तो इस केस में यू विल गेट अ मेल फ्रॉम उत्तर प्रदेश सर्कल, दैट इज लखनऊ सर्कल। अगली क्वेरी है कि आई एम फ्रॉम गुरुग्राम हरियाणा बट अप्लाइड फ्रॉम मध्य प्रदेश, कैन आई डू माई मेडिकल फ्रॉम गुरुग्राम इटसेल्फ, तो एज फार एज द इन्फॉर्मेशन विच वी हैव द मेल्स फ्रॉम मध्य प्रदेश स्टेट्स
अटैच द डॉक्टर्स लिस्ट ऑल्सो। सो यहाँ पर जो डॉक्टर लिस्ट है अटैच है, वहीं से आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। कहीं कहीं LHO में ये लिखा हुआ है कि यू हैव टू डू योर मेडिकल फ्रॉम अ रेप्यूटेड लैब, तो उस केस में आप करा सकते थे, लेकिन इस केस में आपको आपको जो डॉक्टर्स लिस्ट दी हुई है मेल में वहीं से कराना पड़ेगा, तो यहाँ आप गुरुग्राम से नहीं करा सकते हैं। अगली क्वेरी है कि व्हाट विल बी आवर सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आफ्टरवर्ड्स। देखिए एक बार फिर बता देते हैं कि आप ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन करें या ब्रांच में रहें कहीं भी, फर्स्ट डे जो होगी आपकी 13 जनवरी 2020 से लेकर के सेम सैलरी आपको मिलेगी। कोई यहाँ पर इंक्रीज घटोतरी नहीं होती है कि आप ट्रेनिंग सेंटर में गए तो आपकी सैलरी घट गई, ब्रांच में गए तो बढ़ गई, नहीं। ठीक है, आप ट्रेनिंग सेंटर में रहें या ब्रांच में रहें, द डे यू ज्वाइन इन योर ट्रेनिंग सेंटर और योर ब्रांच, यू आर ऑन द पे रोल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसी दिन से आपकी सारी फैसिलिटी जो है वो शुरू हो जाएगी, सैलरी हो या और कुछ फैसिलिटी हो, ठीक है, और आप एक SBI के एम्प्लॉय हो जाएंगे। ठीक है, SBI की सैलरी कितनी होती है, बहुत लोगों की क्वारी आ रही थी, तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, अक्टूबर 2019 की सैलरी है किन की, जिन्होंने ज्वाइन किया था 3 दिसंबर 2018 को। तो अगर आपने देख लिया वीडियो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें। एक और आप लोगों की क्वेरी ये आ रही थी कि डेट ऑफ बर्थ को लेके, तो अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी 10th की मार्कशीट या 10th की सर्टिफिकेट जो है उससे भी आपका डेट ऑफ बर्थ वो सर्टिफाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये और एक वीडियो थी सीरीज में SBI क्लर्क 2019 और एक हम्बल गाइड प्रेजेंटेशन थी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और इससे पहले भी एक दो वीडियोस हैं ऑलरेडी, वो भी आप जाके देख लीजिए। तो जब सारे वीडियोस देखने के बाद फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज हो तो बेहिचक विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। तो ठंड ने दस्तक दे दी है, ठीक है, और धीरे धीरे ठंड में बढ़ोतरी हो रही है, तो आप अपने हेल्थ का भी जरूर ख्याल रखिएगा। तो समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए मुझे इजाजत, आप रखिए अपना, अपने परिवार, अपने देश का बहुत सारा ख्याल। नमस्कार, गुड बाय एंड जय हिंद।